लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र में कोई गरीब परिवार भूखा ना सोए, इस उद्देश्य को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से संचालित कोविड-19 कोरोना रिलीफ टीम की ओर से पिछले एक माह से रोज गरीब परिवारों को भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके जिन्हें किसी कारणवश सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है। कोविड-19 कोरोना रिलीफ टीम के पदाधिकारियों का कहना है कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी कारणवश सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण कई परिवारों के सामने राशन की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में भामाशाहों का सहयोग लेकर रोज लगभग 1000 से ज्यादा पैकेट गरीब लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जाता हूं 31 मार्च से जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उस फर्स्ट लॉकडाउन के दरमियान हमने 31 मार्च से ये लंगर आयोजित किया था और हमारा मकसद था हर गरीब को उसके घर तक, हर व्यक्ति को जो गरीब है उसके घर में 5 मेंबर है तो 5, 10 मेंबर है तो 10, जितने भी मेंबर हैं उसके पैकेट बनाकर उसके घर तक चुपचाप अदब से बगैर कोई दिखावे के, बगैर फोटो खिंचवाए हम उसके घर तक पहुंचाते आए हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज को इसका लंगर का लाभ दिया गया है और ये 3 मई तक जो भामाशाहों के द्वारा चलाया गया है, उन सभी भामाशाहों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन लोगों ने इसको लंगर को चलाने में अपना तन बंधन इसमें दिया। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।